अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस आउट करेंगे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किस बिजनेस मेथड को फॉलो अप करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सारी सर्विसेज को डिस्कस आउट किया था, तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि जो सर्विसेज आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही हो उसके लिए अमेज़ॉन के ऊपर कौन सा करेक्ट बिजनेस मॉडल वर्कआउट करता है। हमने पहले भी इस चीज के ऊपर बात की थी कि अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। जब भी आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर बाइंग या सेलिंग करते हो तो उससे उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ सेलिंग्स होती हैं जिन पर आपको वर्कआउट करना होता है। तो एज एन वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास इस चीज की नॉलेज होना लाजमी है कि अमेज़ॉन के ऊपर कितने तरह का बिजनेस किया जाता है। अब अगर हम अमेज़ॉन से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आपके पास दो टाइप के बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल है। पहला मॉडल आपके पास कहलाता है Amazon FBA और दूसरा मॉडल आपके पास कहलाता है Amazon FBM। अब हम इस लेक्चर के अंदर इन दोनों की दोनों मेथड्स को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए या प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए प्रैक्टिकली इस बात का अंदाजा हो सके कि हमने कौन सा बिजनेस मॉडल सर्च आउट करना है और किस पर वर्क करना है। आपको एज एन वर्चुअल असिस्टेंट जब तक बिजनेस मॉडल्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप अपने क्लाइंट को जो है इस बारे में सही से गाइड आउट नहीं कर सकते कि वो कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करे जिससे उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो। अब हम सबसे पहले यहाँ पर अमेज़ॉन के मोस्ट फेवरेट सेलिंग मेथड के बारे में बात करते हैं जो कि कहलाता है अमेज़ॉन FBA मॉडल। Amazon FBA से मुराद है फुलफिलमेंट बाय Amazon। इस प्रोसेस के अंदर आपका स्टोर ओनर सिंपल अपने सारे प्रोडक्ट्स को Amazon को सेंड कर देता है या यूं समझ लें कि Amazon के अंदर स्टोर आउट कर देता है। अगर आपका कोई क्लर्क जो भी क्लाइंट है या जो भी बायर है अगर वो कोई ऑर्डर प्लेस आउट करता है तो क्या होता है कि Amazon खुद उस क्लाइंट से डील करता है, उसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स खुद उस क्लाइंट तक पहुंचाता है। जो भी आपका जो है शॉप ओनर होगा जिसके लिए आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, उसने अमेज़ॉन FBA के अंदर सिर्फ एक काम ये करना है कि अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन की इन्वेंट्री के अंदर सेंड आउट कर देना है। उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो सब चीज की जिम्मेदारी अमेज़ॉन की होती है और उसको डील जो है वो Amazon करता है। जबकि इसके बरक्स क्या होता है, जब हम FBM या फिर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाले मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर जितना भी प्रोसेस होता है वो आपके मर्चेंट को खुद से करना होता है। अब इसके एग्जांपल किस तरीके से है कि फर्ज कीजिए मैंने एक अदद पेन ऑर्डर किया है। अब अगर आपका जो मर्चेंट है वो FBA को फॉलो अप करता है तो उसने उस पेन को ऑलरेडी Amazon के वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया होगा। अब जब मैं ऑर्डर करूंगी तो मेरा ऑर्डर Amazon हैंडल करेगा। Amazon उस प्रोडक्ट को अपनी इन्वेंटरी में से चूज करेगा, बॉक्स में पुट आउट करेगा, बॉक्स को लेबल करेगा और मुझे उसको डिलीवर कर देगा। जब हम FBA मॉडल की बात करते हैं तो आपने अक्सर कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि दैट योर पार्सल विल बी रिसीव इन टू डेज। व्हाई दिस इज दैट योर पार्सल विल बी रिसीव इन टू डेज, बिकॉज आपने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर आउट किया है वो ऑलरेडी आपके अमेज़ॉन की इन्वेंटरी के अंदर मौजूद है। इसके बरक्स अगर आपने कभी कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो और आपको ये मैसेज मिला हो दैट योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर इन 5 to 6 डेज, तो उस केस में क्या होता है, उस केस के अंदर फुलफिल बाय मर्चेंट यानी कि FBA का मॉडल यूज हो रहा होता है। अब FBA के मॉडल के अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बायर ऑर्डर करता है और अगर मैं जो हूँ वो FBM का मॉडल जो है वो यूज आउट कर रही हूँ तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा। मुझे सबसे पहले उस बायर की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट आउट करनी पड़ेगी, उसका पूरा डेटा कलेक्ट आउट करना पड़ेगा, देन मुझे
देन उस बायर ने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट आउट किया है, मुझे उससे रिगार्डिंग सबसे पहले उसका पैकेजिंग बॉक्स ढूंढना पड़ेगा। अब अगर किसी क्लाइंट ने टीवी या फिर फ्रिज ऑर्डर कर दिया है और मैं जो हूँ वो FBM का मॉडल यूज आउट करती हूँ, तो अब इतना बड़ा फ्रिज या फिर टीवी मुझे डिलीवर आउट करने के लिए बॉक्स भी ऑब्वियसली उसी के साइज का देखना पड़ेगा। तो अब इतना बड़ा बॉक्स क्या मैं एज अ मर्चेंट पहले जो है वो अवेल्ड आउट कर सकती हूँ? मेरा इतना ज्यादा प्रोडक्ट है या मेरी इतनी ज्यादा सेलिंग है कि मैं अपने बॉक्सेस भी खुद से अवेल्ड आउट कर सकूं, कि अगर मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी अपना प्रोडक्ट सेंड करना है तो सही सलामत दूसरी सिटी तक चला जाए? अगर आपको एक सिटी से एक सिटी में ट्रेवल आउट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से आप FBM मॉडल का यूज करोगे तो आपको ये सब चीजें देखनी होंगी। फिर साथ ही साथ FBM मॉडल में क्या नुकसान होता है, अगर एज अ बायर आप कोई FBM स्टोर से कोई चीज ऑर्डर कर देते हो तो आपको यहाँ पर जो है क्या करना पड़ता है, शिपिंग फीस देनी पड़ती है। अब शिपिंग फीस जो होती है वो काफी ज्यादा अमाउंट में लेनी पड़ती है। मैं आगे चल के आपको इसकी एक पर्सनल एग्जांपल दूंगी जो कि मैंने खुद से भी एक्सपीरियंस आउट की है अपने एक्सपीरियंस से फ्रॉम Amazon। पर पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि Amazon क्यों FBA मॉडल को सबसे ज्यादा सपोर्ट आउट करता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप FBA मॉडल से कोई चीज ऑर्डर आउट करते हैं तो आपको उसका रिक्वायर्ड वेट रहता है 20 kg। 20 kg से ज्यादा जो है कि कहते हैं आप FBA मॉडल का इस्तेमाल करते हुए सेलिंग नहीं कर सकते। आप इसको FBA मॉडल के ड्रॉबैक्स में भी काउंट आउट कर सकते हो, बट रिगार्डिंग टू द FBM मॉडल FBA की हम ये वाली गलती जो है वो नजरअंदाज भी कर सकते हैं। FBM मॉडल और FBM मॉडल को आसान अल्फाज में अगर समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपने कभी कोई चीज ऑर्डर की हो और उसके साथ आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़े तो वो FBM मॉडल के अंदर काउंट होते हैं। इसी के बरक्स अक्सर आपने फ्री डिलीवरी का ऑप्शन सुना होगा तो वो मेथड आपके पास रहता है FBA मॉडल यानी के फुलफिलमेंट बाय Amazon। Amazon आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर ही आपके शिपिंग चार्जेस को काउंट कर लेता है। दैट्स व्हाई Amazon खुद से भी FBA मॉडल को सपोर्ट करता है। FBM और FBA में एक फायदा दोनों में से जो रहता है FBA के अंदर वो ये होता है कि एज अ बायर अगर कोई चीज खराब हो जाती है या अगर कोई चीज ब्रोकअप होकर आपके पास आई है तो आप उसे रिटर्न करवा सकते हो Amazon को, एंड अकॉर्डिंग टू द Amazon पॉलिसी वो आपको रिटर्न कर उसकी जगह करेक्ट आइटम या फिर एक प्रोडक्ट जो है वो स्टैंड आउट करेगा। लेकिन अगर आप FBM वाला मॉडल यूज करते हो जो कि मर्चेंट से रिलेटेड है तो आपको अगर कोई चीज ब्रोकअप मिलती है तो इसमें मर्चेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती, मर्चेंट उसको वापस ठीक कर आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो एज अ बायर ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। अब हम क्या कहते हैं वापस आते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि अब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो गया होगा कि आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमेशा FBA मॉडल के ऊपर ही काम करना है। FBA मॉडल के ऊपर आप जब भी काम करोगे या आपका क्लाइंट जब भी काम करेगा तो दोनों सूरतों में आपके पास नुकसान होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले कुछ मेजर पॉइंट्स आउट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग टू द FBA मॉडल। वैसे अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप कौन से वाले बिजनेस मॉडल के साथ जाना पसंद करते, आप एज एन FBA बिजनेस मॉडल वर्क करते और आइदर आप एज अ FBM मॉडल वर्चुअल असिस्टेंट वर्कआउट करते। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। अब हम यहाँ पर डिस्कशन आउट करते हैं रिगार्डिंग द FBA मॉडल, क्योंकि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा मेन फोकस भी FBA मॉडल ही है। तो सबसे पहली वजह क्या है कि हम FBA मॉडल को चूज आउट करते हैं, आपको FBA मॉडल के अंदर हाई वॉल्यूम सर्च मिलती है, आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है इस मॉडल के अंदर, आपका जो मर्चेंट होता है जो
जो इस सब चीज को सेल्ड आउट कर रहा होता है उसको शिपिंग की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। अगर किसी सेलर को या किसी मर्चेंट को शिपिंग की कॉस्ट नहीं देनी तो दैट इज द वेरी गुड थिंग फॉर देम। ऐसे आपके जितने भी मर्चेंट्स होते हैं वो हमेशा ऐसी वर्चुअल असिस्टेंट को ढूंढते हैं जो उनको कम कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट आउट प्रोवाइड कर देने की सलाहियत रखता हो। तो जब भी आपका अगर कोई फ्रेश क्लाइंट मिलता है आपने हमेशा अपने क्लाइंट को कहना है कि वो अमेजोन FBA मॉडल के ऊपर वर्क करें। हर FBA सेलर का प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन खुद जो है क्या कहते हैं सेंड आउट करता है, उसमें अमेजोन अपने बॉक्सेस खुद यूज करता है। आपको एज अ मर्चेंट जो है आपका जो भी क्लाइंट है एज अ मर्चेंट उसको बॉक्सेस अरेंज नहीं करने होते। हर FBA सेलर प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि अमेजोन खुद से अपना बॉक्स और अपना कार्ट यूज करता है। आपके क्लाइंट को आपके मर्चेंट को जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए बॉक्स कार्ट की जरूरत पेश नहीं आती। अमेजोन अपने बॉक्सेस यूज करता है सेफ एंड सिक्योर डिलीवरी के लिए। आप 24/7 अमेजोन की कस्टमर सर्विस को अवेल कर सकते हैं। आप Amazon पे वर्क करते हुए सबसे ज्यादा जो काम कर सकते हैं वो आप लार्ज ऑडियंस को जो है टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किसी से कहें कि आप जो है वो हमें पेमेंट ये बैंक सेंड कर दें तो अक्सर लोग उस चीज को मना कर देते हैं। इसके बरक्स लोग इस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं कि वो ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को बाय आउट करें। तो असल में आपको यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि FBM के भी एडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो मॉडल या वो प्लान वर्कआउट नहीं करता, बट पूरी दुनिया के अंदर करंटली जो सिचुएशन चल रही है ना उसके अकॉर्डिंगली Amazon FBA मॉडल ज्यादा वर्क करता है। अगर मैं दोनों के कंपैरिजन में एडवांटेजेस को मेजर आउट करूं तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि FBM मॉडल के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। आपका जो भी मर्चेंट है, आपका एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो भी क्लाइंट है यहाँ पर, उसको ये फायदा होता है कि जब वो खुद से अपनी सेल और अपनी सप्लाईज को प्रोवाइड आउट कर रहा होता है तो अक्सर दूसरे मर्चेंट या फिर दूसरे जो सेलर्स होते हैं वो भी बल्क क्वांटिटी के अंदर अपने ऑर्डर्स को अवेल आउट करते हैं। आपको पता है जो चीजें अमेजोन के ऊपर सेल आउट होती हैं उसमें से ज्यादातर चीजें जो है वो अमेजोन की अपनी नहीं होती, वो दूसरी वेबसाइट जिसके अंदर दराज, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ईबे इस तरीके की वेबसाइट्स का यूजेज किया जा रहा होता है प्रोडक्ट्स को सेल्ड आउट करने के लिए। तो FBM मॉडल के अंदर क्या होता है कि हाई मार्जिन होता है। ऐसा नहीं है कि FBM मॉडल के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो तो कोई एक या दो प्रोडक्ट ही लेगा, लोग बल्क की क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट्स को वहां से सेल कर Amazon के ऊपर सेल्ड आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई मर्चेंट ऐसा हो जो Amazon से कोई स्टफ ले रहा हो यानी कि उसको बाय आउट कर रहा हो और वो डबल या ट्रिपल प्राइस के ऊपर उसको ईबे पे साइन कर रहा हो। क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा था मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैंने अमेजोन के ऊपर शॉपिंग जो है क्या कहते हैं वो प्रोसीड आउट करी। मुझे एक हैंडबैग पसंद आया, मैंने उस हैंडबैग की प्राइस देखी तो उसकी प्राइस थी $28। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट कि इसकी प्राइस है $28 और इतना अच्छा बैग है, इट हैज ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो के मुझे रिक्वायर्ड आउट है। व्हेन आई पुट इट इन द कार्ट एंड देन आई हैव टू प्रोसीड फॉर द बिल, इट सेज टू मी फॉर डिलीवरी इन पाकिस्तान यू हैव टू गिव 10,000 रुपीज एज अ डिलीवरी चार्जेस। तो जब मैंने ये बात सुनी कि मुझे 10,000 रुपए $28 के बैग के ऊपर शिपिंग चार्जेस देने हैं तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट। देन आई चेक इट आउट एंड आई वॉज रियलाइजिंग कि वो मर्चेंट FBM मॉडल को यूज कर रहा था जिसकी वजह से वो मुझसे डिलीवरी चार्जेस 10,000 मांग रहा था। तो ये नुकसान होता है जिसकी वजह से Amazon खुद भी FBA मॉडल को सपोर्ट आउट करता है। लेकिन अगर हम बात करें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि अगर आपका कोई भी क्लाइंट FBA मॉडल को यूज आउट कर रहा है तो आपने सबसे पहली कन्वर्सेशन के अंदर उसको ये बात समझानी है कि देखिए अगर कोई भी चीज खराब होती है या कुछ भी क्या कहते हैं होता है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस मर्चेंट की है। वेयर एज अगर वो FBA मॉडल को फिगर आउट कर रहा है तो इसका पूरा क्रेडिट Amazon देगा और जो भी आपका रिटर्न या डिपॉजिट होगा
वो Amazon खुद से कम फाइंड आउट करेगा। वैसे मैं आपको ये बता दूं एट द एंड यहाँ पर कि कोई पर्टिकुलर स्केल नहीं है इन दोनों मेथड्स को जस्टिफाई करने के लिए, बस ये जो है एक अदद अपॉर्चुनिटी बेस, आप यूं कहें कि एक अदद ऑब्जर्वेशन बेस्ड सिनेरियो है कि दोनों में से ज्यादा कौन बेटर वर्कआउट करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कि आपने ज्यादा किस बिजनेस मेथड के ऊपर वर्कआउट करना है। फाइनल थॉट्स में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि Amazon FBA मॉडल FBA मॉडल से कई गुना ज्यादा बेटर है। Amazon FBA के अंदर आपके पास जो है वो 2 ऑटोमेटिकली आपको बॉक्स कार्ट मिलते हैं जिसके अंदर सेलर प्राइम मिलती है और बाय बॉक्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप Amazon के PPC टूल का यूज करते हुए Amazon FBA को ज्यादा अच्छे तरीके से एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड आउट कर सकते हो, चाहे वो आपकी रेगुलर सेल हो या फिर आपकी ड्रॉप शिपिंग हो। बाय द वे अगर आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं पता तो लेक्चर नंबर 3 को जरूर अटेंड आउट कीजिएगा जिसके अंदर हम डिस्कस आउट करेंगे कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप किस तरीके से अपने अकाउंट को मैनेज आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि Amazon का अकाउंट किस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपके क्लाइंट ने कभी भी Amazon का अकाउंट नहीं बनाया है। हमारे दोनों थ्योरी के लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट आउट होते हैं। लेक्चर नंबर 3 से हम हैंड ऑन प्रैक्टिकल करेंगे रिगार्डिंग Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो ताकि आप इस ट्रेनिंग का कोई भी पार्ट मिस आउट नहीं करें और एक अच्छे Amazon वर्चुअल असिस्टेंट बनकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड आउट करें और घर बैठे अपने लिए अर्निंग कंप्लीट कर सकें।